ये पार्ट फोर है इसका, JFET का पार्ट फोर वीडियो है। अब हम इसमें सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज हमारा 0 वोल्ट पर रखा है हमने और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 पर, यानी कि जैसे अभी हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था, ड्रेन टू सोर्स पहली कंडीशन में 0 रखा था और गेट टू सोर्स को रिवर्स बायस किया था। अब गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 रखा है, यानी कि इसको गेट और सोर्स को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, यहाँ पर ही देखिए दिखा रखा है मैंने, यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दिया, तो जो जो सोर्स का वोल्टेज है इसको ये होता है ग्राउंड, ग्राउंड कई तरीके से शो करते हैं, ऐसा भी शो कर देते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से शो कर रखा है ग्राउंड, तो ये ग्राउंड पॉइंट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो यहाँ पर ये सारा वोल्ट गेट पर पॉइंट, इस गेट टर्मिनल पर भी वोल्टेज 0 रहेगा, ठीक है, गेट टू सोर्स वोल्टेज हो गया 0। ध्यान से देखिएगा, अब हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, इसको हम वेरी कर रहे हैं, तो क्या होगा, मान लीजिए किसी पॉइंट पर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का मान 2 वोल्ट है, मैंने कभी एग्जाम्पल लेकर के बताया कि आपने बढ़ाया, 0 से बढ़ाना शुरू कर दिया और 0 से बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक पहुँच गए, 2 वोल्ट तक पहुँच गए, तो एक किसी भी, चाहे 1 वोल्ट पर ले लो आप, चाहे 2 वोल्ट पर ले लो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या स्थिति होगी वो हम जानना चाह रहे हैं, है ना, उसको देखते हैं क्या चीज़ बन रही है यहाँ पर। ये देखिए 2 वोल्ट दिखाया ड्रेन पर, तो ड्रेन पॉइंट पर तो 2 वोल्ट पॉजिटिव हो गए यहाँ पर और यहाँ पर 0 वोल्ट हो गया, ठीक है, ये 0 लिखा हुआ है। अब ये जो चैनल है इसकी क्या स्थिति होगी, इसको मैंने यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर इधर की साइड में सिरों पर ड्रेन साइड में थोड़ा सा चौड़ा बना रखा है, सोर्स साइड में डिप्लीशन लेयर को पतला बना रखा है, इसी प्रकार से यहाँ इस वाली साइड में भी ऐसी ड्रेन साइड में जो है डिप्लीशन परत चौड़ी है दोनों तरफ में और सोर्स साइड में पतली हो रखी है, तो इसका कारण क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं, क्यों बनाया मैंने ऐसा। तो मैंने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने बोला कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज 2 वोल्ट है, अब ये जो चैनल है ये चैनल बिल्कुल बराबर बराबर डिवाइडेड होता है, यहाँ पर अगर नॉर्मल कंडीशन देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स या मेजॉरिटी कैरियर्स कह लीजिए, ये एन टाइप है, ये पी है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स बराबर बराबर हैं, ठीक है, और वो एक सिम इक्वल रेजिस्टेंस की तरह, मतलब पूरे इस चैनल में इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ सोर्स से अंदर घुसेगा, जैसे आपने बैटरी लगाई तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल लगा रखा है, आपने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लगा रखा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं वो इधर ड्रेन से होते हुए यहाँ बैटरी तक जाएंगे और फिर इस सर्किट को पूरा करते हुए यहाँ पर ग्राउंड पर समाप्त हो जाएंगे और फिर वापस यहाँ से निकल करके इलेक्ट्रॉन्स फिर इस तरह से मूव करेंगे, लेकिन ये जो इस रास्ते में इसको ये मिलेगा, ये रेजिस्टेंस जो फेस करेंगे वो बिल्कुल बराबर बराबर वैल्यू का रेजिस्टेंस शो इनको मिलता है, ठीक है, तो हम इस वोल्टेज को, ये जो हमारा 2 वोल्ट का लगा हुआ, इसको हम बराबर भागों में बांटते हैं इस चैनल के अंदर, 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ये वोल्टेज कैसे आया, 2 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक का है, इसके बीचों बीच मैंने 1 वोल्ट बना दिया, ठीक है, और इन दोनों का आधा 0.5 बना दिया, इन दोनों का आधा, ये यहाँ 1 है यहाँ 2 है, 1 का आधा 0.5 यहाँ, तो 1.5 टोटल वोल्टेज, अगर हम ये मैंने वोल्टेज सारे यहाँ से लिए हुए हैं, ये जो 0.5 लिखा हुआ जी यहाँ से काउंट के यहाँ तक का वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है, 0.5 वोल्ट, और 1 वोल्ट कहाँ से कहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, और ये जो 1.5 लिखा हुआ कहाँ से कहाँ तक का है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का 1.5, और फिर 2 वोल्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक का है ना, ठीक है, तो ये बराबर बराबर वोल्टेज डिफरेंस, दरअसल चैनल क्या है, चैनल में कोई ऐसा नहीं होता, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए सिंपल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है चैनल, क्योंकि जो मेजॉरिटी कैरियर्स इसमें डोपिंग आपने कर रखी है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इवन होता है, मतलब बराबर बराबर सब जगह डोपिंग हो रखी होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ इस कोने पर डोपिंग ज़्यादा है, इस कोने पर कम है, ऐसा नहीं होता है, सारे में डोपिंग बराबर बराबर है, तो सिंपल एक इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इसीलिए वोल्टेज का जो डिवीज़न होगा वो इक्वली डिवीज़न होगा इनके बीच में, तो मैंने यहाँ पर इसके 4 भागों में इसको बांट दिया, 0.5, 1 वोल्ट, 1.5 और 2 वोल्ट, ठीक है,
तो इस टाइप से हम इसमें बांट करके देखते हैं। अब अगर हम देखें इस पॉइंट से और इस पॉइंट का वोल्टेज की बात करें यहाँ तक की, तो आप डिफरेंस देख रहे हैं 1.5 का डिफरेंस है। 1.5 वोल्ट यहाँ है, 0 वोल्ट यहाँ है, डिफरेंस कितना हुआ 1.5 वोल्ट का, ठीक। और यहाँ पर 1 वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो यहाँ डिफरेंस हुआ 1 वोल्ट का। और इधर कोने की बात करें अगर, तो 0.5 वोल्ट और इधर 0 वोल्ट, ठीक। तो यहाँ रिवर्स बायस की अगर वैल्यू देखें तो 1.5 वोल्ट आ रही है, इस पॉइंट पर अगर बात देखें तो यहाँ 1 वोल्ट आ रही है, और यहाँ की अगर बात करें तो इस पॉइंट पर जो रिवर्स बायस बन रहा है तो वो 0.5 केवल बन रहा है, ठीक। 0.5 वोल्ट रिवर्स बायस, 1 वोल्ट रिवर्स बायस और 1.5 वोल्ट रिवर्स बायस। तो जब 1.5 वोल्ट ज़्यादा रिवर्स बायस है ना, और 1.5 वोल्ट ज़्यादा रिवर्स बायस है, 1 वोल्ट उससे कम रिवर्स बायस है, और 0.5 और कम रिवर्स बायस है। जितना कम रिवर्स बायस उतनी पतली डिप्लीशन परत, जितना ज़्यादा रिवर्स बायस उतना ज़्यादा डिप्लीशन परत की चौड़ाई ज़्यादा। तो क्योंकि इस पॉइंट पर 1.5 वोल्ट का आपको ध्यान दिखाई दे रहा था, तो इसीलिए यहाँ डिप्लीशन परत की चौड़ाई ज़्यादा होती है। इस पॉइंट पर फिर थोड़ी सी यहाँ की कम तुलना में कम हो जाती है, इतनी चौड़ाई मिल रही है आपको डिप्लीशन परत की, और यहाँ पर बिल्कुल और उससे भी कम मिल रही है, ठीक है। इसलिए ये परत की चौड़ाई आपको ऐसा दिख रहा है, समझ गए आप। क्योंकि हमारा वोल्टेज का डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पॉइंट इस गेट टर्मिनल से और यहाँ तक की वैल्यू का डिफरेंस, औसत मिडिल पॉइंट हमने ले लिया 1.5 को, यहाँ डिफरेंस आ रहा, तो यहाँ पर जो आपका डिप्लीशन परत होगी वो ज़्यादा चौड़ी होगी क्योंकि ज़्यादा रिवर्स बायस है। यहाँ पर 0 से और 1 का डिफरेंस है, तो इसकी तुलना में कम रिवर्स बायस है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पतला होगा। यहाँ अगर यहाँ तक चौड़ाई है, तो यही चीज़ मैंने वहाँ दिखा रखी थी आपको कि अगर चौड़ाई यहाँ पर इस तरीके से है तो यहाँ पर थोड़ी सी और पतली हो जाएगी, और जब आप सिरों तक आएंगे तो और पतली हो जाएगी। जो यहाँ 0.5 वोल्ट है क्योंकि, तो 0.5 वोल्ट रिवर्स बायस की तुलना में आपको ऐसा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि डिप्लीशन लेयर जो है इस टाइप से क्यों बनती है, ठीक है। तो अब जब आपने ये काम कर लिया, ये चीज़ समझ में आ गई, अब आगे बात करते हैं ड्रेन करंट की डिपेंडेंसी कैसे होगी। ड्रेन करंट और ये आपने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाया तो कैसे कैसे चेंज हुआ, ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे जैसे हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, इसको थोड़ा सा इस ग्राफ से समझते हैं, या यहाँ पर आ जाइए समझते हैं। ये तो वोल्टेज आपने शून्य कर रखा है इन दोनों के बीच के डिफरेंस का वोल्टेज, ठीक है। अब जैसे जैसे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज यहाँ बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। धारा का मान बढ़ता चला जाएगा, जितना ज़्यादा VDS बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उतनी ज़्यादा धारा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक कंडीशन आएगी कि भाई यहाँ से मान लीजिए ये जो चौड़ाई है आपने, अब जितना ज़्यादा रिवर्स बायस करेंगे तो ये और ज़्यादा ये नज़दीक नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे। अभी यहाँ पर है, मान लो आप 3 वोल्ट पर चले गए तो 3 वोल्ट पर क्या स्थिति होगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी इधर ध्यान दीजिए 3 वोल्ट पर, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा, इधर से ये भी नज़दीक आ जाएगा, है ना। तो 3 वोल्ट आते ही थोड़ा सा और नज़दीक नज़दीक आ गए, तो डिप्लीशन ये जो चैनल की विड्थ है, ये है चैनल की विड्थ, क्योंकि भाई डिप्लीशन लेयर इतनी जगह में तो डिप्लीशन लेयर ने घेर ली है, तो चैनल कितना बचा, ज़रा सा, तो यही चैनल की विड्थ है। इसी से इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकल कर यहाँ जा रहे हैं, और धारा इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में, तो धारा इधर को बहेगी, ठीक, धारा आपकी नीचे को बहेगी, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर को जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से चल रहे हैं। तो अब होगा क्या, क्या जैसे जैसे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे ड्रेन करंट जो है हमारी क्या हमेशा बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चौड़ाई तो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और एक कंडीशन आएगी कि आपका अब ये और ज़्यादा ये बिल्कुल चिपकने की स्थिति में हो जाएंगे, इस तरीके से चैनल जो है आपस में चिपकने की स्थिति में जाएंगे, लेकिन ये पूरे नहीं जुड़ पाते हैं, कुछ ना कुछ स्पेस इसमें बचा रह जाता है। तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है वो धारा को यहाँ प्रवाहित कर रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब एक निश्चित चौड़ाई हो गई है, उससे उस चौड़ाई से जितने भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं उतने ही जाएंगे, उससे ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर सकते इस चौड़ाई को पार करने के लिए। मान लीजिए कोई ये सड़क है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ऐसी सड़क है आप, ठीक है, अब इस सड़क से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, आपने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के हिसाब से
वो है जो यात्रीगण चढ़ रहे हैं। मान लीजिए पहले 3 वोल्टेज आपने बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाने का मतलब आपने अलाउ किया, 3 साइकिल वाले करने लगे। फिर आपने और वोल्टेज बढ़ाया तो 4 साइकिल वाले जाने लग गए। फिर आपने और वोल्टेज बढ़ाया तो 5 साइकिल वाले जाने लग गए, और वोल्टेज बढ़ाया तो 6 साइकिल वाले जाने लग गए। लेकिन अब क्या है, ये चैनल अब और ज़्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकता है। अब 6 ही जने अगर इसमें से पार कर रहे हैं तो 6 ही पार कर पाएंगे, अब उससे ज़्यादा और ज़्यादा पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि रास्ता पूरा भर गया है। ठीक है, वही स्थिति यहाँ पर आती है। डिप्लीशन परत की चौड़ाई, वो सॉरी जो चैनल की चौड़ाई है, वो घटती जाती और एक स्थिति आ जाती है कि अब चैनल अब उससे ज़्यादा संकरा नहीं हो पाता। ये दोनों मिलने लग जाते हैं एक दूसरे को, इस तरीके से मिल जाते हैं बिल्कुल। तो इस कंडीशन में अब धारा का मान और अधिक नहीं बढ़ सकता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास कर पाएंगे इस चैनल को, पासिंग थ्रू चैनल, वो लिमिट हो जाती है। ठीक, ये फिक्स हो जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो गए तो आपको पता है धारा जो है क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, प्रति इकाई समय में कितने आवेश प्रवाहित हो गए वो आपकी धारा कहलाती है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कह लीजिए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो गए तो आपका ये अब धारा भी फिक्स हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बाद अब ड्रेन करंट का मान और ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को मैंने यहाँ पर अब ग्राफ में दिखाया है कि देखिए ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, इधर ड्रेन करंट है। ठीक है, इसको बनाया मैंने। अब यहाँ पर देखिए, पहले हमने ड्रेन ये 0 से शुरू किया, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया तो ड्रेन करंट बढ़ती चली गई, है ना। पहले तो चैनल की चौड़ाई ज़्यादा थी और वोल्टेज भी कम था तो चैनल ज़्यादा चौड़ा था। अब जैसे जैसे आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, चैनल की विड्थ घटती चली जा रही है। चैनल की विड्थ घटती जा रही है तो ड्रेन, खैर एक लिमिट तक ड्रेन करंट बढ़ रही है। आपने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाया, उसके करस्पॉन्डिंग करंट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद अब और धारा का मान नहीं बढ़ता है। इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर गेट टू सोर्स वोल्टेज का मान क्या रख रखा है आपने, 0 वोल्ट। गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 वोल्ट स्थिति पर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का वह मान जिस पर धारा का मान अब और नहीं बढ़ सकता है, इसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। इसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, VDS की VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का वह मान जिस पर धारा का मान अब और अधिक नहीं बढ़ पाता है, उसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। और जो ये मैक्सिमम धारा बनती है इसको बोलते हैं IDSS, ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट। ठीक है, अब उसके बाद आप वोल्टेज और बढ़ाते चले जाइए। यहाँ पर हमने बढ़ाया है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज यहाँ तक कर दिया, लेकिन फिर भी धारा का मान बढ़ नहीं रहा, उतना ही रह रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के एक पर्टिकुलर और ज़्यादा उससे ज़्यादा अगर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर फिर हमारा जो JFET वो जल जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि वो करंट झेल नहीं पाता है, वोल्टेज झेल नहीं पाता और वो जल जाता है, तो उधर ब्रेकडाउन रीजन कहलाता है। तो हम इनको ए और बी बिंदु और ये ओ बिंदु, तो ओ से ए तक का जो क्षेत्र होता है वो ओमिक रीजन कहलाता है, ए से बी तक का क्षेत्र पिंच ऑफ रीजन कहलाता है, और बी से आगे का जो क्षेत्र है सी कह लीजिए इसको, आगे तो मतलब ब्रेकडाउन हो जाता है इसके बाद। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स आपने देखी। तो आपने यहाँ पर जाना, जैसे जैसे हम ड्रेन गेट टू सोर्स के फिक्स मान के लिए, अभी हमने 0 वोल्ट पर काम किया है, गेट टू सोर्स 0 वोल्ट पर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आईडी बढ़ती जाती है। लेकिन एक जैसे ही VP की कंडीशन आती है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का VP के बराबर हो जाता है, तो आईडी जो है वो IDSS के बराबर हो जाती है। अब उसके बाद और धारा का मान नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई है। तो हमने दूसरी स्थिति देखी जिसमें गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 रख करके ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाया, उसके करस्पॉन्डिंग धारा कैसे बढ़ रही है, ड्रेन करंट कैसे बढ़ रही है, वो हमने जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को चेंज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए, थैंक यू।